यहाँ साहब डकैत तो एक भी नहीं बचा जो यहाँ आए ना हो, सब लोग आए। अच्छा अच्छा। अगर कभी हुए लोगों के, कुछ लोगों का तो मानना है कि यहाँ पे एक लड़का था वो मर गया था, माता ने जिंदा कर दिया था, ठीक है। अंगना पधारो महारानी, ये मैया ये मैया, अरे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। तो ये गाइस, राम राम, सलाम, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज फिर अपन आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जर्नी के साथ, और एक फिर से एक हिडन पैलेस को हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। दोस्तों आज हम हैं अपने जालौन ज़िले की सरजमीं पे। हाँ जी, तो हम आज अपने जालौन ज़िले में हैं और जालौन ज़िले में हम आपको आप लेके आए हैं एक ऐसा मंदिर जहाँ पे विशेषतया यहाँ पे डाकुओं की बहुत ज़्यादा आस्था थी। तो ये है हमारी जालौन वाली माता का मंदिर। ये आप जो पीछे देख पा रहे हैं ये जालौन वाली माता का मंदिर है और यहाँ पे विशेषतः मतलब डाकुओं की आस्था रहती थी। ये जो मंदिर है ये आपको जालौन ज़िले में माधोगढ़ रोड पे, ठीक है, माधोगढ़ रोड पे माधोगढ़ वाली रास्ते में आपको मिल जाएगा और ये यमुना नदी और चंबल नदी के पास ये मंदिर है। तो इस मंदिर के बारे में भी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, काफ़ी सारी चर्चाएँ हैं। हम आपको बताएँगे, आपको बारी बारी से मंदिर के बारे में क्या विशेषता है और बहुत सारे चमत्कार हुए हैं लोगों के। कुछ लोगों का तो मानना है कि यहाँ पे एक लड़का था वो मर गया था, माता ने जिंदा कर दिया था। ले लिया ये प्रसाद, यहाँ माता का प्रसाद है, चने और लड्डू का मिक्सर चढ़ाया जाता है, वो हमने फेमस प्रसाद लिया है और अभी हम चल रहे हैं दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में और ये काफ़ी सीढ़ी चढ़ के आना पड़ता है। ये देखो आप मंदिर देख रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब अधिकतर डाकुओं की जो आस्था रही है, बुंदेलखंड का एक बहुत ही फेमस मंदिर है ये, और डाकुओं की जो आस्था रही है यहाँ पे बहुत सारे डाकू जैसे निर्भय सिंह, मलखान सिंह, फूलन देवी, मतलब इन लोगों ने आके इस मंदिर पर तो दोस्तों ये है मंदिर का मेन गेट और हम ये खड़े हैं बिल्कुल मंदिर के मेन गेट के सामने। ये सामने आपको देवी माता का मंदिर दिख रहा है और बहुत आस्था है यहाँ पे लोगों की, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। कानपुर आसपास के मतलब बुंदेलखंड के जितना भी क्षेत्र का आदमी है बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं। तो कराते हैं आपको देवी माता के दर्शन और हम भी करते हैं दर्शन, चढ़ाएंगे ये प्रसाद जो माता का हमने भोग लिया है। आज बहुत समय बाद हमारा आना हुआ है माता के मंदिर पे। तो ये जो मंदिर है ये बहुत ही आस्था का प्रतीक मंदिर है। लोगों की ऐसे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किसी को बच्चा होता है या किसी की नौकरी लग जाती है तो लोग यहाँ पे अपनी मन्नत मांगते हुए आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। तो माता के यहाँ जवारे या बारी जिन्हें अपनी भाषा में कहते हैं वो होता है और ये सभी डांस वांस अपना हर्षोल्लास से मनाते हैं। बहुत ही दोस्तों मनोरम स्थल है, आप लोग भी आओ और यहाँ पे आओ। और देखो ये है दोस्तों माता के मंदिर के नज़ारे, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही ऊंचाई पे बना हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो, देखो हम कितनी ऊंचाई पे हैं, यहाँ से करीब ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 फीट की ऊपर ऊंचाई पे बना हुआ है। और ये मंदिर भाई लोगों ये पांडवकालीन मंदिर है, ये द्वापर युग में श्री वेद व्यास जी महाराज द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था, इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तो आज भी इस मंदिर पर लोगों की आस्था की वजह से काफ़ी सारे भक्त श्रद्धालु आते हैं। पहले दस्यु इलाका था तो थोड़ा कम आते थे, लेकिन अब तो काफ़ी आते हैं। और देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोग अपना खाना पीना बनाते हैं। तो देखो दोस्तों अगर